गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ से? 1905 रेवोल्यूशन से। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशियन कैसी एक कंट्री थी? ऑटोक्रेसी कंट्री थी। द सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। लिबरल्स वॉन्टेड टू इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लिबरल्स ये क्या करते थे? ख़त्म करना चाहते थे। दे वर्क टूगेदर डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग अ रेवोल्यूशन ऑफ 1905 के रेवोल्यूशन में वो क्या करते थे? एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे। ठीक है, ब्लडी संडे, खूनी रविवार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली बाय 1904 दैट द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। जो प्राइजेस थे इतनी जल्दी बढ़े थे एसेंशियल गुड्स के, ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होती हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ी। ड्यूरिंग दिस टाइम फोर मेंबर्स ऑफ द पुतिलॉव आयरन वर्क्स वर डिसमिस। इस समय जो चार मेंबर थे पुतिलॉव आयरन वर्क्स के, वो क्या करिए? डिसमिस कर दिए गए। एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर, एक एक्शन लिया गया ओवर 110,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग went on strike demanding a reduction in working hours and increases in wages। करीबन 110,000 worker क्या करने लगे? स्ट्राइक पे चले गए। क्या मांग किया उन्होंने? वर्किंग आवर को घटाया जाए और वेजेस को इंक्रीज किया जाए। दिस प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड गोसैक्स। अब ये जो था पुलिस के द्वारा अटैक किया गया, उसमें ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, करीबन 100 वर्कर्स मारे गए। स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन। अब स्ट्राइक का रिएक्शन होने लगा। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड करने लगे पीपल। द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। जो सार था उसने अलाउ कर दिया एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा को बनाने का। द सार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज एंड अनाउंसमेंट और इलेक्शन ऑफ द सेकेंड डूमा। पहले डूमा को 75 डेज में डिसमिस भी कर दिया गया और दूसरे डूमा के इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ रशियन एम्पायर खड़ा हुआ है। इन रशिया द वॉर वॉर इनिशियली वेरी पॉपुलर बट द लेटर सपोर्ट ग्रीविज। जो फर्स्ट वॉर होती है किसके बीच में होती है? रशियन आर्मीज की लड़ाई हो रही है, जर्मनी ऑस्ट्रिया। देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज एंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज। रशियन के साथ थे, कितने थे? 7 मिलियन कैजुअलिटीज और 3 मिलियन रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज इंडस्ट्रियों वॉइस वॉर के कारण क्या हुआ? इंडस्ट्रियों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। कैसा इफेक्ट? लेबर शॉर्टेज हुआ, रेलवे लाइन्स बंद हो गई, स्मॉल वर्कशॉप बंद हो गए, ग्रेन्स में कमी आ गई। ये सारी चीज़ें हुई कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। कहाँ पे? रशिया में। अब कुछ इवेंट भी हुए। फरवरी रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें कुछ इवेंट थे। कैसा इवेंट था? इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्रैड वॉर ग्रिम, देयर वाज अ फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। क्या हुआ था 1917 में? जो वर्कर्स के क्वार्टर्स हुआ करते थे वहाँ भी फूड शॉर्टेज हो गया था। 22 फरवरी अ लॉकआउट टूक प्लेस एट अ फैक्ट्री। लॉकआउट आ गया कहाँ पे? फैक्ट्रीज में। कब? 22 फरवरी की बात हो रही है। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइंड इन द सिंपैथी। इसी को देखते हुए 50 दूसरी फैक्ट्रीज ने भी सिंपैथी जताई और ज्वाइन किया इसको, लॉकडाउन को। वुमेन्स ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक। वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया इन स्ट्राइक्स में। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू एज द क्वार्टर्स ऑफ द फैशनेबल एरिया एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। गवर्नमेंट के द्वारा एक कर्फ्यू इम्पोज किया गया। कैसा? कहाँ पे कर्फ्यू? फैशनेबल एरियाज पे और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को वर्कर्स द्वारा घेर लिया गया। ऑन द 24th एंड 25th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। एक क्या गया?
कैवेलरी कॉल आउट किया गवर्नमेंट ने, और पुलिस ने उसके ऊपर क्या किया, नज़र रखा। ऑन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर। इस मेजर के अगेंस्ट जितने लोगों ने बोला था, पॉलिटिशियन ने, ड्यूमा ने, उन सभी को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। द पीपल वर आउट विथ फोर्स वंस अगेन, लोगों को फिर से ताकत के साथ, बल के साथ बाहर निकाल दिया गया। 27 को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर वॉज रैंक सैग, पुलिस हेडक्वार्टर को क्या किया गया, रैंक सैग कर दिया गया। कैवेलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन, फिर से कैवेलरी को बुला लिया गया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड द अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत। एक ऑफिसर को शॉर्ट कर दिया गया, मार दिया गया, कहाँ पे, रेजिमेंट में। दूसरे रेजिमेंट ने भी क्या किया, वोटिंग करने लगे स्ट्राइकर पीपल्स को सोवियत फॉर्म करने के लिए, और यहीं पे क्या बना, सोवियत बना, पेट्रोग्राड सोवियत। अ डेलीगेशन वेंट टू मीट द सार, मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। एक टीम बनाई गई, डेलीगेशन टीम बनाई गई, सार में मिलने गई, मिलिट्री कमांडर भी थे, उन्होंने क्या किया, कुछ एडवाइजेस दी। सार एबिडेक्टेड ऑन 2nd मार्च, सार ने एबिडेक्ट कर दिया 2nd मार्च को। अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज इन फॉर्म बाय द सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स टू रन द कंट्री। अब एक गवर्नमेंट बना ली गई सोवियत और ड्यूमा द्वारा, जो कंट्री को चलाए। द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट्रीज वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर एंड मिलिट्री कमांडर। जो पीपल इसमें इन्वॉल्व थे कौन से, पार्लियामेंट के लोग थे, वर्कर थे, वुमेन थी, सोल्जर थे, मिलिट्री थी। इफेक्ट क्या पड़ा, रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। जो पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि मीटिंग नहीं कर सकते, वो अब खत्म हो गया। सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर, सभी जगह सोवियत्स बना दिए गए। ओके स्टूडेंट्स, इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्रीज कमेटीज व फॉर्म विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्री। एक कमेटीज बनाई गई फैक्ट्रियों की, जो क्या सवाल करते थे कि फैक्ट्रियों कैसे चल रही हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है, उन सबको निगरानी करने के लिए कमेटी भी बनाई गई। सोल्डर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी में सोल्डर की कमेटी बनाई गई। द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। जो गवर्नमेंट थी वो क्या देखती थी, पावर कैसे बांटी जाए और बोल्शेविक कैसे ग्रो करे। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। और क्या दिया गया, कुछ मेजर्स लिए गए किसके लिए, स्प्रेडिंग डिसकंटेंट के लिए। इट रजिस्टर्स अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। अब क्या किया गया, वर्कर्स जो फैक्ट्रीज को रन करते थे उसमें थोड़ा सा रोक लगाई गई और जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब जो लैंड है उसका क्या किया गया, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। लैंड कमेटीज वर फॉर्म्ड एंड पीजेंट्स साइज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। एक लैंड कमेटी बनाई गई, ठीक है, कब बनाया, ये सब हुआ जुलाई और सितंबर में, 1917 की बात हो रही है। अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1917 लेजिन परस्यूडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। क्या किया गया, सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, मतलब पावर को थोड़ा सा क्या किया गया, सोशलिस्ट किया गया, ठीक है। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। अब सीजर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बना दी गई। अपराइजिंग बिगेन ऑन 24th अक्टूबर, 24 अक्टूबर क्या हुआ, थोड़ा सा अपराइजिंग बिगेन हुआ। प्राइम मिनिस्टर कैरेंसिक की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। कैरेंसिक ने क्या किया, समन ट्रूप्स, सिटी को लेफ्ट कर दिया। मिलिट्री मैन लॉयल द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर। मिलिट्री मैन क्या थे, गवर्नमेंट के थोड़ा सा लॉयल थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक के न्यूज़पेपर दो बिल्डिंग को सीज कर दिया।
प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। अब जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे वो क्या करते थे, टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस भेजा जाते थे, क्यों, ताकि विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया जाए। इन रेस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी सीज किया और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाला। द अरोरा शिप सेल्ड द विंटर पैलेस। अरोरा शिप ने क्या किया, विंटर पैलेस को सेल कर दिया, डुबो दिया, सेल्ड कर दिया। अदर सेल मतलब बेचना वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। अदर शिप्स टूक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट। बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। और फिर रात के समय तक ही क्या किया गया, मिनिस्टर ने खुद को अरेस्ट करा दिया, सरेंडर कर दिया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। बोल्शेविक एक्शन को क्या किया गया, अप्रूव कर दिया गया, किसके द्वारा, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स के द्वारा। हैवी फाइटिंग इन मॉस्को। मॉस्को में बहुत ज्यादा फाइटिंग हुई, कहा, बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बोल्शेविक्स ने क्या किया, मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया, अपने अंडर ला दिया। इफेक्ट क्या क्या हुए, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। क्या हो गया, नेशनलाइज्ड हो गए, कब, नवंबर 1917 में। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया, सीज करने की परमिशन दे दी गई और लैंड को सोशल प्रॉपर्टी भी घोषित कर दिया गया। यूज ऑफ ओल्ड टाइल्स वर बैन। ओल्ड टाइल्स का यूज बैन कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल। आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए नए यूनिफॉर्म बनाए गए। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गई। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियंस थे वो पार्टी के कंट्रोल में आ गए। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, दिस लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई, ठीक है, मीन सबको सेंट्रलाइज किया गया, जिससे इकोनॉमिक बढ़े। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलपमेंट। क्या हुआ, एक सिस्टम डेवलप हो गया सब चीज का। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फॉर्म्स स्टार्टेड। फॉर्म्स का कलेक्टिवाइजेशन भी स्टार्ट, मीन कलेक्ट करना भी फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया। सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर क्या है, व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब ऑर्डर किया गया कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, तो रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। रशियन आर्मी ने क्या किया, ब्रेकअप कर लिया। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लेबरर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। सभी लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया इसको, फ्रेंच, अफ्रीका, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापान के द्वारा सपोर्ट किया गया। ऑल दीज फाइट फॉर अ वॉर विद द बोल्शेविक्स। इन सभी ने क्या किया, एक लड़ाई लड़ी, किसके साथ, बोल्शेविक्स के साथ। अब सोशलिस्ट सोसाइटी वहाँ कैसी बनाएगी, द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के समय बोल्शेविक्स ने क्या किया, सभी को नेशनलाइज कर दिया, किसको, इंडस्ट्रीज को भी और बैंक्स को भी। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। इस प्रोसेस के समय बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया, मीन्स एक सिस्टम डेवलप सिस्टम बना दिया गया। स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। स्टालिन बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक सप्लाइज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। स्टालिन क्या मानता था, जो बड़े पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो क्या करते थे, स्टॉक कर लेते थे सप्लाई को, ताकि उसकी शॉर्टेज पड़ जाए। हैंस कलेक्टिवाइजेशन वॉज नीड ऑफ द आवर। तो इस समय क्या नीड थी, कलेक्टिवाइजेशन की नीड थी। दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज द फार्म्स। तो खेती के क्या किया गया, कलेक्टराइजेशन किया गया, मीन सबको कलेक्ट किया गया, गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। अब दोज फार्मर हु रजिस्टर्ड कल्टिवेशन कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड। अब जो कलेक्टिवाइजेशन को करता था, मीन जो इकट्ठा करके रखता था, उसको पनिश किया जाता था, ठीक है, उसको सजा होती थी जो स्टॉक करके रखता था। ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था, विश्व में इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। बाय द 1950s इट वॉज रिकॉग्नाइज इन द कंट्री
एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। दो, ये सब क्या दिया गया 1950 समय देखा गया कि कंट्री के बाहर और कंट्री में हर एक चीज़ रशियन रेवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए की गई। दो इट्स इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजंस वर बीइंग डिनाइड। जो इंडस्ट्री वगैरह थी वो सब डेवलप हुई, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, जो गरीब थे उनको फेड किया गया, उनको थोड़ा सा राहत भी मिली, बट जो एसेंशियल फ्रीडम थी सिटीजंस की वो भी हटा दी गई, डिनाई कर दी गई। हाउएवर इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट सोशल आइडियाज वर स्टिल इंजॉयड रिस्पेक्ट अमॉन्ग द रशियंस। इसके बाद क्या किया गया, जो सोशल आइडियल्स थे वो क्या किए गए, इंजॉय किए गए, बहुत अच्छे से रशियन के सामने रखे गए। रशियन मतलब क्या था, थोड़ा सा डेवलप हो रहा था। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वॉर रीथॉट इन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन अदर दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, जो सोशलिज्म होता है वो अलग अलग तरीके से रीथॉट किया जाता है, थॉट बनाया जाता है, उसके विचारधाराएँ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।